हे गाइस भाई भाई यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, एपिसोड की शुरुआत में हक देते हैं भाई, पानी में गिर रहा है, क्या नशे कर रहा है यार तू। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज सवाल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइज आज का जो एपिसोड है, एंड पिछला एपिसोड आई थिंक आपने देखा ही होगा, एंड नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि उस एपिसोड में हम जो है केव में गए थे विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं था खास चीज़ें, बस थोड़ा सा पाइक वगैरह था अपने पास, एंड उसी के साथ गए थे। एंड गंदे कुत्ते की मौत मरे भाई, उन लोग ने धक्का दे के लावा में गिरा दिया था हमें, सब कुछ सही से नहीं बताऊंगा, एपिसोड देख लेना आप लोग। तो वो जो है मैंने गेम रिकवर कर लिया है, वापस रिस्टोर कर लिया वो फाइल मैंने डाटा, एंड वापस हमारे पास हमारे जग्गू बिग्गू सब कुछ है। तो मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि रिवाइल प्लेटफॉर्म ही बनाएंगे और प्रिपेयर करके वापस नहीं जाएंगे क्योंकि बस फिलहाल, तो जी हाँ हम बनाने वाले आज हमारा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, एंड ये देखो गाइस 65 जो लेवल है इसके ऊपर आपको मिलेगा रिवाइल प्लेटफॉर्म, जो मैंने अनलॉक कर लिया। इनका अब तक अनलॉक भी नहीं किया था मैंने क्योंकि कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब सच में यार बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टेमिंग के लिए भी। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग फटाक से हमारे फैब्रिकेटर पे जाते, हमारा एक मशीन, ये जो मेरा ऑफिस है जहाँ पे मैं अपना फैब्रिकेटर वगैरह सब रखा है मैंने यहाँ पे। तो चलिए ये देखते हैं। ओके तो एक सेकेंड, ये शॉटगन जो है मैं बनाने वाला था पता है वैसे, लेकिन बनाई नहीं मैंने बिकॉज उसका डैमेज जो इस शॉटगन मेरे पास जो शॉटगन से कम है। एंड अभी इस रिवाइवल प्लेटफॉर्म के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलीमर वगैरह, बट आयरन इनगट नहीं है गाइस। तो आयरन इनगट का भी हमने को कुछ करना पड़ेगा फटाक से। तो एक सेकेंड मैं अभी सब चेक, भाई देखो ये फिर से भाई मेरे साथ ही क्यों होता है यार हर बार भाई, मतलब मेरे को हमेशा बैठना रहता है और ये भाई गिर जाता है नीचे, हर बार की बात है यार, नहीं आना तो बोल दिया कर भाई, अबे यार ऑप्शन दे दो यार, क्या कर रहे हैं यार ये सब लोग मेरे साथ। ओके तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग जाके देखते हैं हमारे पास रिसोर्स में क्या क्या है। तो आई थिंक यहाँ पे तो नहीं होगा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं है। मैं ऐसी जो मेन चीज़ें मेरी पॉलीमर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन इनगट वगैरह वगैरह सारी जो मेन चीज़ें मैं ऊपर ही सेव रखता हूँ इस बॉक्स में। तो यहाँ पे देखते हैं, तो चलो 56 है हमारे पास और इलेक्ट्रॉनिक्स 10 ही, इलेक्ट्रॉनिक्स हमें थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, लेकिन एक सेकेंड। ओके आयरन इनगट भी है 126 या 29 कुछ तो है, ठीक है हमें थोड़े से बनाने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं है मेरे पास, स्मिथी के अंदर शायद थोड़े से होंगे 15-16, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। नीचे गिर गया गलती से, सॉरी मेरे पेट्रो भाई। तो ये हमने डाल दिया, इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या चाहिए, अच्छा तो इसके लिए हमें जो है गाइस हमें ज़रूरत पड़ेगी, ओके तो मुझे मेटल लाना पड़ेगा आई थिंक, मतलब ये आयरन इनगट। तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट से लेके आ जाता हूँ, तो अभी भाई इसको यहाँ से लेके, ओके एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी गाइस ये मेरे साथ ही होता है भाई, बैठ जा यार क्या कर रहा है भाई, इसके पंख भी बहुत बीच में आ रहे हैं, ये बैठ ही नहीं पा रहा है, क्या सीन है भाई। तीन बार हो चुका है यार, एपिसोड शुरू होती तीन बार ऐसी फालतू चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो एक काम करता हूँ मैं जॉनी को लेके जाता हूँ, बिकॉज जॉनी जो है 400 kg तक उठा सकता है, 417, तो ये मेरे आयरन इनगट उठा पाएगा। तो एक काम करते हैं, ये नहीं चाहिए हमें, हाँ सिलिका भी लेना है हमें, ये भी ले लेता हूँ मैं, एंड आयरन इनगट भी चाहिए मुझे। ओके हाँ मैं भूल गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलिका भी तो लगता है, आपको बताना ही भूल गया मैं। तो ओके हम लोग अभी फटाक से पहुँच जाएंगे यहाँ पे, एंड देन हम लोग बनाते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सब ओपन किया था ताकि मैं बना सकूँ रेफ्रिजरेटर को, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि उसके लिए बिजली का लफड़ा है तो मैंने भाई छोड़ दिया, मैं अभी नहीं करना चाहूँगा वो, मैं बाद में बनाऊँगा लेकिन अभी नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, इसको 15 ही बनाता हूँ मैं, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा मेटल नहीं है, आयरन जो है वो नहीं है। तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले, हमारे पास ज़्यादा आयरन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे जाएंगे और यहाँ से जो है मेटल तोड़ के लाएंगे, मतलब निकालेंगे मेटल वहाँ से, क्योंकि जो मेटल है ना मैंने वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर करके रखा है गाइज, वहाँ पे जो एक मैं पहले भी मेटल बहुत बार निकाल तोड़ने को गया था वहाँ पर, मैंने ऑलरेडी वहाँ से लाया, तो एक साथ तो आपको भी पता मेटल का वजन बहुत होता है, तो मैंने वहीं पे स्टोर करके रखा है। तो आज जस्ट हमको जाना है लेके आना है, बिकॉज थोड़े से मेटल इनगट जो हमारे पास कम है, तो आज हम यूज़ करेंगे हमारे ट्रांसपोर्ट एजेंट का, हमारे बैरों का, जो आप लोग देख सकते हो 500 kg उठा सकता है, जबकि इसका लेवल 19 है एंड इसका स्टैमिना भी गाइज 1000 है, इससे कुछ ज़्यादा ही है, इसका लेवल भी इतना है फिर भी इसकी चीज़ें थोड़ी कम है उससे, मतलब इसका भी स्टैमिना 1000 है लेकिन ये
उससे ज़्यादा है, फिर भी मैं जॉनी पे ज़्यादा यूज़ करता हूँ भाईला से, बिकॉज यार गोल्ड गोल्ड होता है, सिल्वर सिल्वर होता है, सॉरी गलत ये दिया एग्जाम्पल, बट चलो समझ लो जो समझना है। तो चलो अभी एक काम करते हैं हम लोग, पहले देख लो भाई ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ओके एक सेकेंड, आई थिंक वो डिस्टेंस रहता है ना, मीडियम डिस्टेंस। ओ भाई ये देखो गाइस, ये चौथी बार है भाई, मतलब क्या यार, क्या सीन क्या चल रहे है भाई, सारी चीज़ों में ग्लिचेस हो रहे हैं आज तो। ओके ओ भाई रुक जा भाई, उड़ा ना दे तू किसी को। तो गाइस अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से जाते हैं उस केव के पास, आई मीन जो पहाड़ है। तो गाइस जा रहे हम लोग धीरे धीरे से भाई, क्योंकि भैरव थोड़ा स्लो आ रहा है, कभी कभी पता नहीं अचानक से स्पीड हो जाता है और फिर मेरा पूरा कैमरा ब्लॉक कर देता है, मुझे उसके अंदर की आर पार चीज़ें दिखती है एंड अचानक से भाई स्लो हो जाता है वो। तो अभी मेरे को स्टैमिना भी रिकवर करना है, बस टेंशन ये है कि कोई नीचे ना हो, क्योंकि किसी ने मेरे पे हमला किया तो आई थिंक वो नेचुरल है उसका एग्रेशन, तो कहीं वो अटैक ना कर दे और उस चक्कर में उसे खोना तो नहीं चाहूँगा भाई मैं, मेरे बहुत काम की चीज़ें वो। तो गाइस फाइनली हम लोग इस क्या बोलते हैं इसको, जो वॉल्केनो है इसके ऊपर पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर कोई भी आग भी बारूद कुछ नहीं है भाई, बस ये पड़े हैं मेटल्स। तो इस पहाड़ के ऊपर तो हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए अब फटाफट जो हम लोग यहाँ से मेटल कलेक्ट करेंगे एंड एक बार मैं देख लेता, वैसे कुछ होता नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे साथ अभी भैरव है तो मेरे को कोई ये नहीं लगे कि पत्थर है ना ये। ओके कोई बात नहीं फिर तो। ओके तो ये सारी जगह क्लियर है, एक्चुअली क्लियर ही होती, लेकिन मैं फिर भी सोचा अगर कोई चढ़ के आ गया होगा अचानक से ऊपर तो पहले इसको मैं स्टॉप का कमांड दे देता हूँ। तो रुक जा भाई अभी तू वहीं पे, एंड ये देखो गाइस इसके अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत मेटल रखे हैं। तो देखो अब 800 मेटल, अब धीरे धीरे मैं सारे मेटल बिटल अभी कर देता हूँ फटाफट से गाइस, एंड फिर मिलते हैं अपन लोग। गाइज यहाँ पे मेरे को क्रिस्टल भी दिख गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्रिस्टल थोड़ा लेके जाओ, बिकॉज मैं हमारे यहाँ पे जो स्टोरेज बॉक्स था उसमें मेरे को याद नहीं कि कितने क्रिस्टल है, तो ऐसा ना हो कि मैं जाऊँ एंड फिर थोड़े क्रिस्टल कम पड़ जाए, मैं ऐसे क्रिस्टल तोड़ लेता हूँ फटाफट से सारे, ताकि मतलब कोई शॉर्टेज ना रहे, बार बार मुझे यहाँ वहाँ ना करना पड़े। तो ये थोड़ा सा फंसा हुआ है क्रिस्टल, एक सेकेंड सही से निकाल लेता हूँ इसको एंड ओके और कुछ नहीं बचा ना। ओके चल भाई, ओ नहीं ओ शिट शिट शिट, ओ भाई ओ भाई 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 रुक जा, ओ भाई बच गया शिट यार भाई। ये देखो गाइस ये कितनी पांचवी बार है आई थिंक, फिर से एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हो चुका है गाइस, ये जब नसीब लेने की सोचता है गाइस तो छप्पड़ फाड़ के लेता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं फिर से हो चुका, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम लोग ऊपर चले जाएंगे शायद से। भाई देखो इतनी ऊंचाई पे लोगों की अच्छे अच्छों की फट जाते हैं और भाई इसको टट्टी करने का सोच रहा है भाई, क्या बोले अभी इसको। तो एक सेकेंड आई थिंक हम लोग चले जाएंगे ऊपर, मेरे को देखने दो एक सेकेंड गाइज। नहीं भाई नहीं गाइज, हम लोग यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते एंड बहुत ही बड़ा इशू हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरे जॉनी को जो है यहाँ पे जो है टेलीपोर्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं कोई गलती करूँ और मैं सीधा नीचे गिर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं नीचे गिर गया ना गाइज तो मुझे पेट्रो बिट्रो से यहाँ पे आना पड़ेगा, बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। तो उससे अच्छा मैं यहाँ से फटाफट मेरे जो टेम है उसको बुला लेता हूँ, मेरे जॉनी को टेलीपोर्ट कर लेता हूँ मैं फटाफट यहाँ से। तो यहाँ पे एक मिनट मेरे को जॉनी को ढूंढने दो है कहाँ पे होगा अभी ये। ओके एक सेकेंड गाइज, भाई जॉनी कहाँ पे इसमें भाई, ओके हाँ फर्स्ट पे ये सॉरी। तो अभी फटाफट इसको मैंने एक सेकेंड, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका ये खाली हो जाएगा। तो गाइज ये जॉनी आ चुका है, मेरे बराबर बैठ लिया मैंने, क्योंकि भाई जॉनी मेरे को ऑलमोस्ट धक्का देने वाला था और धक्का देता तो आई डोंट नो क्या होता इस बार, वैसे वो मेरे पीछे आ जाता लेकिन मैं गिरते रहता और फिर मैं भी नहीं जानता मैं कितना नीचे गिरता। तो भाई बहुत मतलब भाई मैं ऑलमोस्ट गया था नीचे, पता नहीं मैं कैसे बच गया, थैंक गॉड। तो ये देखो गाइज अभी मैंने सब भर दिया है एंड अब क्या करते हैं हम लोग, इनका जो मैंने ये कर दिया खाना पीना ये कर दिया मैंने, बांट दिया दोनों में। तो अब धीरे धीरे जा रहे गाइज ये लोग, आप देख सकते हो बेस से थोड़ा ही दूर है हम लोग, अब धीरे धीरे अंधेरे में पहुंच जाएंगे। भैरव थोड़ा स्लो है बिकॉज उसमें कुछ 200-300 मेटल डाला है मैंने, 400 किलो तक उसमें वजन भर चुका है, 300-400 तक, तो इसलिए थोड़ा स्लो है। तो यार बहुत लेंदी होने वाला अभी जाते जाते, बहुत मेरे को भी कंठाला आ रहा है इतना लेके जाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं लेके जाना पड़ेगा। एंड मेरे को डर इस बात का है कि मैं कहीं लैंड करूँ और कुछ दिख ना जाए, क्योंकि बहुत अंधेरा है गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को सही से। तो भाई मेरे को बस स्टैमिना रिकवर करना है। तो गाइज एक और गलत सीन हो गया मेरे साथ, हुआ ये कि हम लोग रात के अंधेरे में जा रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा था। देखो गाइज हमारा बेस जो है गाइज वो है इस तरफ एंड मैं जा रहा था इस तरफ जहाँ पे मेरा पुराना बेस था,
वो भी मैं आपको कभी मिलाऊंगा, मेरे पुराने बेस से कैसा था मैं आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में मैंने कैसे बनाया था उसको। लेकिन फिलहाल ये इशू हो चुका है एंड अब मेरे को वापस से उस साइड जाना है यार। तो बहुत देख लो यार कितना अभी लॉन्ग यार भाई साहब, जो लास्ट बेड दिख रहा है ना तीनों बेड में, वो लास्ट वाला बेड में हमारा जो है बेस है। एंड बहुत लेंदी प्रोसेस अभी, आई मीन बहुत लेंदी हो चुका है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं यार, मतलब पिछले कल गए थे ऐसा लग रहा है, कल सुबह गए थे और आज सुबह पहुँच रहे हैं यार। पहुँचते पहुँचते सच में फट गई मेरी भाई, बहुत मुश्किल था यार सच में। स्टैमिना रिकवरिंग में सबसे ज़्यादा इशू आया मेरे को, रात में मेरे को बहुत डर था कहीं कुछ खो ना जाए। तो अभी इसको मैंने स्टॉप का कमांड दे दिया है, अभी फटाफट से जो है मेटल हम लोग निकाल लेते हैं, बिकॉज जिसके लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की भाई वही ना निकाले ऐसा तो हो नहीं सकता। ओह शिट, मैंने इसका फ्यूल पता नहीं अभी कितना ख़त्म हुआ होगा, मैंने गिन के भी नहीं गया था ना। ओके तो अभी हम लोग जो है फटाफट से जो है यहाँ पे ये कर, इसको वुड बीड लगा के जो है अभी फटाफट से मैं ये कर दिया मैंने। तो गाइज अब आई थिंक हो चुका होगा, मैंने वुड वगैरह डाल के जो है सब कर दिया एंड यहाँ पे 36 मिले, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 15-16 तो स्मिथी में थे। हाँ ओके 16 है। सो फाइनली 52 यहाँ पे मेटल हमारे पास है एंड यहाँ पे 149, तो बराबर 201 शगुन। तो यहाँ पे हो चुके, अब बना लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, मेरे को इसके लिए क्रिस्टल लाना ही मैं भूल गया है। तो क्रिस्टल अच्छा हुआ मैं तोड़ के लेके आया, तोड़ के मतलब निकाल के लेके आया। तो एक सेकंड भाई खुल जा यार। तो क्रिस्टल है यहाँ पे हम लोग, क्रिस्टल का आई डोंट नो इतना वज़न क्यों होता है, मेटल से भी ज़्यादा होता है जो क्रिस्टल का वज़न, इसी वजह से जो है भैरव थोड़ा स्लो पड़ गया था। तो ये मैंने डाल दिया क्रिस्टल एंड गाइज टर्न ऑन भी कर दिया। अब हमने किया रिवाइवल प्लेटफॉर्म। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म अब रेडी है एंड स्मृति में चालू रख दिया था, आई मीन जो है क्या था ये जो भी था भट्टा शुरू रखा है मैंने रिफाइनिंग। तो मेटल बनता रहेगा आराम से, कोई टेंशन नहीं होगी फिर, मतलब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में एंड टाइम पर शुरू नहीं करना मुझे। तो अब रिवाइवल प्लेटफॉर्म तो बन चुका है गाइज, अब इसे कहीं पर लगाना पड़ेगा हमें। तो चलिए एक जगह ढूंढते हैं फटाफट से जहाँ पे हम जो रिवाइवल प्लेटफॉर्म को लगा पाएंगे। तो यहाँ से आई गेस ओके, ये गाइज मेरे को जगह मिल चुकी है एंड यहाँ पे हम लोग लगाते हैं हमारा। एंड आई थिंक नहीं लगेगा यार यहाँ ये जगह, मतलब गाइज आप लोग देख सकते हो पूरी ऊपर खाबड़ है ऊपर नीचे, यहाँ पे तो नहीं लगेगा। बाहर की साइड एक बार ट्राई कर सकते हैं, मेरे को लग तो नहीं रहा कहीं पे लगेगा लेकिन ट्राई करते। ओके यहाँ पे लग जाएगा, नहीं लग रहा यार शेट। ओके 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 गाइज यहाँ पे लग रहा था, लग रहा था। हाँ यहाँ पे डालते हैं, बूम गाइज हम लोग ने यहाँ पे लगा लिया है। तो यार वैसे देखा जाए तो रिवाइवल प्लेटफॉर्म यहाँ पे लग तो अच्छा रहा है, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मैं मतलब मेरा जो आइडिया मैं कुछ और सोच रहा हूँ। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि रिवाइवल प्लेटफॉर्म का जो हम लोग एक केज बनाए, एक बेस बनाए, इसी जगह पे बनाएंगे हम लोग उस बेस को, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। वो इसलिए क्योंकि यार ये एपिसोड बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, तो इसलिए इस एपिसोड में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे कि हम लोग रिवाइवल प्लेटफॉर्म का एक बेस बनाए, एक केज बनाए। वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो बेस है, मैं जहाँ पे रिवाइवल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ उससे बहुत क्लोज है मेरा बेस। एंड अगर मैं किसी खतरनाक डायनो को जो है रिवाइव कर देता हूँ एंड बाद में अगर मैं उसे टेम करने जाता हूँ तो वो मेरा बेस भी तोड़ सकता है, तो एक्चुअली मेरा पूरा बेस उखाड़ देगा एंड उसके बाद वो मेरे डायनोस भी मार सकता है। एटलीस्ट एक डायनो तो मेरा मार ही देगा, रेक्स जैसा तो ऑब्वियसली मेरा एक डायनो मार देगा। तो उससे अच्छा यही होगा कि हम लोग रिवाइवल प्लेटफॉर्म का एक बेस बना ले, एक केज बनाएंगे जिस एकदम सिस्टमेटिकली बनाऊंगा मैं नेक्स्ट एपिसोड में, और आप भी उससे सीख जाओगे किस तरीके से हम बना सकते हैं। फिक्स नहीं है लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बना सके। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ न्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।